मैं आ गई हूँ केती साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूँ। मुझे यहाँ मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है, और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारू? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? क्या समझती हो, मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था। अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था, जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे शोक में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा।